हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपको पता होगा, मैंने एक नया एपिसोड स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी आपको बताता हूँ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी आपको बताता हूँ। तो उसी का ही आज सेकंड वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं शादी डॉट कॉम के फाउंडर और पीपल ग्रुप के फाउंडर मिस्टर अनुपम मित्तल के बारे में। दोस्तों अनुपम मित्तल 1997 से इस कंपनी को चलाते हुए आ रहे हैं और ये एक बात अपने अधिकतर इंटरव्यू में बोलते हैं कि इन्होंने इंटरनेट कंपनी तब शुरू करी थी जब इंटरनेट के बारे में ही लोग नहीं जानते थे। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से अनुपम मित्तल ने शादी डॉट कॉम की शुरुआत करी, किस तरीके से उन्होंने पीपल ग्रुप की शुरुआत करी और आज की डेट में वो कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। दोस्तों आपको बता होगा शादी डॉट कॉम काफी बड़ी कंपनी है। दोस्तों अगर हम शादी डॉट कॉम की बात करें तो सिर्फ शादी डॉट कॉम ही नहीं, पीपल ग्रुप के जो फाउंडर है मिस्टर अनुपम मित्तल, उन्होंने और भी इस तरीके की काफी सारी कंपनियां चला रखी है, साथ में काफी सारी कंपनियों में वो इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर बात करें उनके इन्वेस्टमेंट की तो उन्होंने 200 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उनके ऑपरेट कंपनीज कौन कौन सी है तो यहाँ पे शादी डॉट कॉम है, मकान डॉट कॉम है, मोज है, मोबेंगो है, ये चार तो बड़ी कंपनियां हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने ओला के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और भी काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ध्रुवा है, ओरियोस है और अभी की डेट में आपको पता होगा ये शार्क टैंक इंडिया के जज भी है। ये शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी काफी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप शार्क टैंक शो नहीं देखते हैं तो आपको शार्क टैंक शो जरूर देखना चाहिए, सोनी टीवी के ऊपर आता है। उससे आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलती है किस तरीके से आपको पिच देनी है और किस तरीके से आपको किसी भी इन्वेस्टर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है ताकि आपको अच्छी फंडिंग मिल सके और क्या मतलब फंडिंग जो भी लेते हैं या जो भी कोई कंपनी चला रहा है तो उसके अंदर पीछे कितनी वो मेहनत करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स सामने लेके आते हैं, क्या प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आते हैं, वहां से हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुपम मित्तल की तो अगर आप सारे ही शार्क टैंक इंडिया के जो भी शार्क्स हैं उनके अंदर मेरे तो पर्सनल फेवरेट है अनुपम मित्तल और अगर आप देखते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आपके कौन से फेवरेट है। यहाँ पे अगर हम बात करें अनुपम मित्तल के लिंक्डइन प्रोफाइल की तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने बता देता हूँ मैं आपको, इन्हें 1997 के अंदर वेस्टर्न कॉलेज जो कि यूरोप में है वहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने वहां पे इंटरनेट कंपनी चलाई, इंटरनेट कंपनी के अंदर इन्होंने पैसा भी बनाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां 1997-1998 के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से इनको काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ा और नुकसान इतना हुआ कि ये नुकसान की वजह से कर्जे में भी चले गए। उसके बाद ये इंडिया वापस आए और इंडिया आने के बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम शादियां हम सगाइयां सीधे ऑनलाइन करवाएं। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी sagai.com, वहां पे इनको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला लेकिन इन्होंने देखा कि sagai.com एक लिमिट हो रही है। अगर आप भी कोई बिजनेस करते हो तो एक फिक्स होता है कि आपने कोई नाम देखा तो नाम की एक लिमिट खत्म हो जाती है लेकिन इन्होंने फिर उस नाम को चेंज किया sadi.com पे। तब तक इन्होंने सिर्फ वेबसाइट बना के वहां से अच्छा अर्निंग करी थी, 25-30 लाख रुपए के आसपास इन्होंने वहां से अर्न किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, sadi.com जो इनको डोमेन परचेज करना था इसकी वैल्यू थी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए में इनको ये डोमेन मिल रहा था। तब भी इन्होंने बिना सोचे समझे 25 लाख रुपए उस डोमेन के लिए लगा दिए क्योंकि इनको पता था कि ये जो नाम है ये नाम ही काफी बड़ा ब्रांड बन सकता है और आने वाले टाइम में ये जो नाम है sadi.com एक काफी इजीली और काफी अच्छे से रिमेम्बरिंग नेम है। आप भी अगर अपने बिजनेस का कोई नाम रखते हैं तो आपको काफी अच्छी रिसर्च करने की जरूरत है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका नाम एक ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम से ही पता चल जाए कि कंपनी किस चीज की है, कंपनी का जो प्रोसेस है वो किस चीज का है, कंपनी क्या चीज आपको देती है। जैसे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सेलिंग है तो आपका प्रोडक्ट क्या है उससे बेस्ड ही आपका नाम होना चाहिए। तो ये एक सबसे अच्छी चीज होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी फाउंडर के लिए जब भी वो कोई नई कंपनी बनाता है। तो ये चीज दोस्तों खास ध्यान देने वाली बात है। बाकी आपको बता देता हूँ ये 25 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं, 25 साल से पीपल ग्रुप के फाउंडर हैं, सीईओ बने हुए हैं। बाकी आपको पता ही होगा इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, 200 से ज्यादा कंपनियों में अभी तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको बताई गई इनकी काफी सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि ओला कंपनी आप सब लोग जानते हो, कैब्स की कंपनी है, इनके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है और अभी शार्क टैंक में काफी सारे इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो मैंने सब आपको बता ही दिया है। दोस्तों अगर बात करें इनकी नेटवर्क की तो इनकी नेटवर्क लगभग $25 मिलियन के आसपास बताई जाती है अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो। दोस्तों ये थी अनुपम मित्तल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं आपको बता सका हूँ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अनुपम मित्तल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।